हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान यूसुफ खान जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग HDFC लाइफ के गारंटेड पेंशन प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं आसानी के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा, आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड पेंशन प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं कि चैनल पर प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न, सुझाव और कमेंट के अनुसार लगातार आती हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे उचित समय पे। आज की वीडियो में हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अश्योर्ड पेंशन प्लान की डिटेल को समझ रहे हैं। यह प्लान एक यूनिट लिंक्ड प्लान है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आप जो प्रीमियम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, इनकम सोर्सेस या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगी, जिसपे जोखिम आपका रहेगा। जैसे ही वेस्टिंग डेट यानी कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगी, आपको वहाँ पे कॉर्पस नजर आएगा जिसे आप फंड वैल्यू कहेंगे, जिससे आप इमीडिएट पेंशन प्लान या डेफर्ड पेंशन प्लान आप लेंगे ही, क्योंकि इसीलिए ये प्लान है। और जो भी प्रीमियम आप यहाँ पे करेंगे उसके ऊपर आपको एक गारंटी मिलती है। किस तरीके की गारंटी मिलती है आगे बताएंगे। अभी हम बात करेंगे HDFC लाइफ के अश्योर्ड पेंशन प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 18 साल से लेकर के अधिकतम 65 साल, यानी कि सीनियर सिटीजन है तब भी आप ये प्लान ले सकते हो। वेस्टिंग एज को आप समझ लीजिए मेच्योरिटी एज का लिमिट, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो मिनिमम 45 साल, अधिकतम 75 साल की रखी गई है। बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म की, अगर आप सिंगल पे यानी कि वन टाइम प्रीमियम पे करते हैं तो मिनिमम जो पॉलिसी टर्म होगा 10 साल का होगा, उसके बाद 15 से 35 साल का ऑप्शन होगा। अगर आप 8 साल या 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चुनते हैं तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल, अधिकतम 35 साल तक का मिल सकता है। 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 15 से लेके 35 साल तक का पॉलिसी टर्म मिलता है। अगर आप जितने साल का पॉलिसी टर्म लेके उतने साल लगातार प्रीमियम पे करना चाहते हो तो रेगुलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना वो है 24,000 रुपए का, छमाई 12,000 रुपए का, तिमाही 6,000 रुपए का। मासिक किस्तों में पे करना चाहते हो तो कम से कम 2,000 रुपए हर महीने का प्रीमियम का लिमिट रखा गया है। अगर आप वन टाइम ही प्रीमियम पे करना चाहते हैं केवल, यानी कि सिंगल पे ऑप्शन लेते हो, तो कम से कम 50,000 रुपए का प्रीमियम जाएगा ही। मैक्सिमम प्रीमियम का जो लिमिट है डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर एज पर द कंपनी रूल्स की कितना वो अलाउ करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अशोर्ड पेंशन प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। पहला बेनिफिट है पेंशन मल्टीप्लायर, जो कि पॉलिसी के 11वें साल पे आपको मिलता है एवरेज फंड वैल्यू का 1%। उसके बाद हर अल्टरनेटिव ईयर्स पे मिलेगा 2 साल रुक के। अब यहाँ पे लिखा है प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का, मतलब है कि जो लेटेस्ट 2 ईयर्स है उसमें जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1% आप ले लेंगे। तो पहली बार मिल जाएगा पॉलिसी के 11वें साल पे, उसके बाद अल्टरनेटिव ईयर यानी कि 11वें साल पे मिल गया तो फिर मिलेगा 13वें साल पे, फिर मिलेगा 15वें साल पे, फिर मिलेगा 17वें साल पे, ऐसे लगातार मिलता चला जाएगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, ठीक है। वेस्टिंग बेनिफिट, जिसे आप अभी समझने के लिए मेच्योरिटी बेनिफिट कह सकते हो, आपको फंड वैल्यू मिलेगा या अश्योर्ड वेस्टिंग बेनिफिट तो मिलेगा ही। अश्योर्ड वेस्टिंग बेनिफिट ही वो गारंटी है जो आपके प्रीमियम के ऊपर लागू होती है। किस तरीके से समझने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। हम मान लेते हैं कि पॉलिसी टर्म है यहाँ पे 20 साल का और 15 साल का ले लिया है हमने यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अश्योर्ड वेस्टिंग बेनिफिट फॉर 15 पे यानी कि 15 साल के पॉलिसी टर्म के ऑप्शन के लिए लिखा गया है। 20 साल का अगर पॉलिसी टर्म लेते हैं तो जो यहाँ पे अश्योर्ड वेस्टिंग बेनिफिट फैक्टर होगा वो 106% का हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हो उसके हिसाब से जो आप प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे अश्योर्ड वेस्टिंग बेनिफिट फैक्टर वेरी करेगा। अभी जो अश्योर्ड वेस्टिंग बेनिफिट फैक्टर आएगा इसका आप गुणा कर देंगे जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है ना बेस, उसके ऊपर। जैसे मान लो 15 लाख रुपए का बेस प्रीमियम है तो उसका 106% तो मिलना ही है, चाहे फंड वैल्यू नेगेटिव ही क्यों ना जा रहा हो, ठीक है। अब ये गारंटी दी गई तो इसका एक छोटा सा चार्ज भी है। अब ये जो वेस्टिंग बेनिफिट आपको मिलते हैं यानी कि जिसे आप साधारणतः मेच्योरिटी बेनिफिट कहते हो, उसका इस्तेमाल सिर्फ पेंशन के लिए ही होगा। लेकिन अगर आप कम्यूट वैल्यू लेना चाहते हो यानी कि एक भाग लमसम लेना चाहते हो तो अधिकतम अप टू 60% यानी कि 60% तक का ही वैल्यू आप विड्रॉल कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो आपके वेस्टिंग अमाउंट यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू का 50% ले किसी दूसरी कंपनी से भी पेंशन प्लान ले सकते हो। और अगर आप ये चाहो कि आप मेच्योरिटी डेट को आगे बढ़ाना चाहते हो, वेस्टिंग डेट को आगे, और आपकी आयु 60 साल तक की ही है या इससे कम है, तो आप ऐसा कर पाएंगे। डेथ बेनिफिट की बात करें तो फंड वैल्यू का कंपैरिजन कर लिया जाएगा जितना भी प्रीमियम पे किया गया है टिल द डेट ऑफ डेथ बेस प्रीमियम, राइट, उसका 105% निकाल लेंगे। दोनों अमाउंट में से जो भी कम होगा वो डेथ बेनिफिट होगा जो कि नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा।
और नॉमिनी के पास में भी सेम ही ऑप्शन रहेंगे आपकी तरह कि वो चाहें तो पूरे डेथ बेनिफिट को लमसम ले सकते हैं, क्योंकि ये डेथ क्लेम होगा यहाँ पे, इस वजह से ले पाएंगे पूरा। बाकी जो बचा है उससे वो चाहें अगर तो पूरे अमाउंट से पेंशन भी ले सकते हैं, या कुछ भाग लमसम भी ले सकते हैं, कुछ से पेंशन भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि कंपनी किस तरीके से अमाउंट को एलोकेट करेगी फंड में। तो यहाँ पे पेंशन इक्विटी प्लस फंड का रेशो हमें दिया गया है, जिससे हम समझ जाएंगे कि जो इक्विटी बैकिंग रेशो है वो किस तरीके से लागू हो रहा है। तो देखिए, पेंशन इक्विटी प्लस फंड में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड कैश डिपॉजिट में 0 से लेके 20% तक जा सकता है। प्रीमियम का ये विंडो है, सेम ही विंडो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट एंड बॉन्ड के लिए। इक्विटी में कम से कम 80% तो जाएगा। मान लीजिए 15 से 19 साल तक के बीच का पॉलिसी टर्म है, या मान लो 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, तो पहले साल जो 40% होगा आपके इन्वेस्टमेंट का वो पेंशन इक्विटी प्लस फंड में जाएगा। बाकी जो 60% बच गया है उसको पेंशन इनकम फंड के अंदर कंपनी एलोकेट कर देगी, जिसमें कि अधिकतम 20% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या कैश एंड डिपॉजिट में जा सकता है और कम से कम 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट एंड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट होगा। वहीं अगर 10वां साल जब आ जाएगा पॉलिसी टर्म का, 15 साल का अगर पॉलिसी टर्म लेते हैं, तो फिर 4% ही पेंशन इक्विटी प्लस फंड में जाएगा, रेस्ट पेंशन इनकम फंड में जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैच्योरिटी डेट आ गई, आप चाह रहे हैं कि मैच्योरिटी डेट आगे बढ़ जाए क्योंकि आपकी आयु 60 साल से कम है, तो ऐसे में फिर जितनी भी यूनिट होंगी उनको कंजर्वेटिव फंड के अंदर कंपनी रिलोकेट कर देगी, जहां पर रिस्क बहुत कम होगा, लो रिस्क होगा, सिक्योर फंड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कम से कम 40% जाएगा और अधिकतम 100% भी रख सकती है कंपनी। ठीक है, और इक्विटी में वेरी हाई रिस्क होता है ये आप जानते हैं। बट अगर मान लीजिए कि आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि आपने प्रीमियम पे करना यहाँ पे बंद कर दिया किसी भी कारणवश, तो ऐसे में जितनी भी यूनिट होंगी आपकी उनको कंपनी पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड के अंदर एलोकेट कर देगी, यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें जो विंडो रहेगी वो 0 से लेकर 40% तक की रहेगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए 60% से लेकर 100% तक का रहेगा, 7% तक, राइट, जितनी भी यूनिट होगी उनको। और इस फंड पे जो रिटर्न है कम से कम 4% के आसपास तो मिलता ही, चक्रवृद्धि ब्याज रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहता है, ये आप जानते हैं। अब हम बात करेंगे HDFC लाइफ के अशॉर्ट पेंशन प्लान के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला जो चार्ज लगता है हमें किसी भी यूनिट लिंक प्लान में वो होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अगर आप रेगुलर पे या लिमिटेड पे का ऑप्शन ले रहे हैं प्रीमियम पे करने के लिए, तो पहले 5 साल अगर आप सालाना किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 5% लगेगा। इसके अलावा 3.9% की दर से आपको लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। जब जब प्रीमियम पे करते तब तब लगता है, ये चार्ज ध्यान रखिएगा। 6ठे साल से 4% हो जाएगा सालाना मोड के लिए और नॉन एनुअल मोड के लिए सेम ही रहेगा 3.9%। अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करते हैं और आपका प्रीमियम 9,99,999 से कम है, राइट, कितना भी कम है एज पर द लिमिट, तो सिंगल प्रीमियम का 2.5% आपको लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। इस तरीके से यहाँ पे चार्ज लिखे गए हैं। फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस हैं आपके फंड वैल्यू का सालाना 1.35% लगता है और पॉलिसी को अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हो तो डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड पे आपके फंड वैल्यू का 0.50% पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड चार्ज लग जाता है एज ए फंड मैनेजमेंट चार्जेस। ठीक है, यानी कि पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 0.50% है फंड वैल्यू का सालाना। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है पहले 5 साल आपके प्रीमियम का 0.18% हर महीने लगेगा, 6ठे साल से 0.50% लगेगा अगर सिंगल प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं। अगर सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हर महीने आपके प्रीमियम का 0.09% आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो ₹500 रखी गई है हर महीने की, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बाकी लिमिट के अनुसार ही रहेगा। पॉलिसी डिसकंटिन्यूस जो चार्जेस हैं वो ₹1,000 से लेकर ₹6,000 तक के बीच में हो सकते हैं अधिकतम और 5वें साल से ये चार्ज नहीं लगता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम क्या है, किस ईयर में आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें आपको अशॉर्ट वेस्टिंग बेनिफिट मिल रहा है, आपके प्रीमियम के ऊपर गारंटी मिल रही है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्ज लग रहा है। पेंशन इक्विटी प्लस फंड और पेंशन इनकम फंड के लिए हर साल 0.50% लगेगा इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्ज। बाकी पेंशन कंजर्वेटिव फंड के लिए 0.10% हर साल लग जाएगा फंड वैल्यू का इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्ज। ठीक है जी, गारंटी दे रहे हैं तो चार्ज भी लग रहा है जी। अब बात आती है मिसलिनियस ट्रांजेक्शन की। पर रिक्वेस्ट पे ₹250 का चार्ज है। अब जैसे मान लो आपका पॉलिसी बॉन्ड खो जाए, अब आपको रिक्वेस्ट रेज करनी है या चेक डिसऑनर हो जाए उसके लिए रिक्वेस्ट रेज करनी है, तो ₹250 का प्रचार लग जाएगा।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल पॉलिसी ब्रोशर का कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है श्रीमान रमेश जी हैं जिनकी आयु 30 साल की, सालाना 1,00,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं 15 साल के लिए, 20 साल का ले रहे हैं पॉलिसी टर्म। तो जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे 50 साल के हो जाएंगे, 50 साल के जब हो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, फंड वैल्यू या फिर अशोर्ड वेस्टिंग बेनिफिट, दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही मिलेगा। एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर 8% का एवरेज रिटर्न रेट रहा तो 29,22,179 रुपए का अमाउंट हो जाएगा, और अगर 4% की दर से एवरेज रहा रेट ऑफ रिटर्न थ्रू आउट द पॉजिटिव टर्म 20 साल तक तो 17,26,709 रुपए का इन्हें फंड वैल्यू मिल सकता है, जिससे कि ये पेंशन लेंगे ही या अधिकतम इसका 60% कम्यूट भी कर सकते हैं। अब ये अशोर्ड वेस्टिंग बेनिफिट क्या है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि अशोर्ड वेस्टिंग बेनिफिट फैक्टर 106% आ रहा था। अब 15 साल में 1,00,000 रुपए की दर से 15,00,000 रुपए पे कर लेंगे तो अशोर्ड वेस्टिंग बेनिफिट 15,90,000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब प्लान लेने से पहले हमें ये जानना होता है कि जो हम प्लान ले रहे हैं उसमें जो फंड ऑप्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे जैसा कि हमने किया हुआ है, और व्यू ऑल पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंड ऑप्शंस होंगे उनकी जानकारी मिल जाएगी, राइट। हमने यहाँ पे क्लिक किया व्यू ऑल पे, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पता चला नेट असेट्स वैल्यू पर यूनिट NAV, राइट। तो पेंशन इक्विटी प्लस फंड का जो NAV है वो 23.65 रुपए के आसपास रहा 20 नवंबर 2023 को, और पेंशन इनकम फंड का रहा 15 रुपए कुछ पैसे 20/11/2023 को, ठीक है जी। लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो पेंशन कंजर्वेटिव फंड है इसका जो NAV है 10 रुपए का है। अब किसी भी यूनिट का मतलब जो फंड होता है नया, उसका जो पर यूनिट का NAV होता है वो 10 रुपए होता है, तो हमें पता चलता है कि ये फंड ऑप्शन अभी नया है, इसकी NAV हमें ये बता रही है, ज्यादा पुराना नहीं होगा ये बिल्कुल भी। अब बात आती है पेंशन इनकम फंड और पेंशन इक्विटी प्लस फंड के रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। तो जब से पेंशन इनकम फंड ऑप्शन अवेलेबल हुआ है तब से 5.13% का इसने रेट ऑफ रिटर्न दिया है, और जो पेंशन इक्विटी प्लस फंड है जब से ही ऑप्शन इन्होंने अवेलेबल कराया, यहाँ पे लिखा है सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ही ऑप्शन इन्होंने अवेलेबल कराया, तो 10.85% की दर से इसने रेट ऑफ रिटर्न दिया। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पे बताया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आप बता रहे हैं हम कैसे मान लें, हमें खुद भी चेक करना है। तो देखिए लिंक मिल जाएगा आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन पे, उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने बताया था प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो NAV यानी कि नेट असेट्स वैल्यू यूनिट का पता लग जाएगा। फिर अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है रिपोर्ट एंड डाउनलोड, यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर पाएंगे, फंड परफॉर्मेंस ओवर बेंचमार्क लिखा हुआ है यहीं पे, वो अवेलेबल है, आराम से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, या फिर सीधा आप टेलीग्राम चैनल से PDF लेके पढ़ पाएंगे वीडियो के नेक्स्ट डे, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको और भी PDF प्लान्स की मिलती रहेंगी। आपने वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यूनिट लिंक प्लान लेने से पहले सही से प्लानिंग कर लेनी चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी लेना चाहिए। इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जिससे आप फंड परफॉर्मेंस, फंड गन, नेट असेट्स वैल्यू सब कुछ चेक कर पाए। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत आभार। जानकारी क्लियर।